सबसे पहले तो अपन यहाँ पे वर्ड ओपन करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कुछ हेडिंग दी होगी, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे अपने सेंटर का ही नाम ले लेते हैं ये। अब इसको आपको सेंटर में करना है, तो आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये पैराग्राफ ग्रुप है, इसमें आ रहा है ये सेंटर वाला, इस तरह से हो रहा है। ये आपको इंसर्ट टैब में नहीं मिलते ऑप्शन, ये आपको होम टैब में मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये लेफ्ट में करना हो, सेंटर में करना हो, राइट साइड करना हो, जस्टिफाई करते हैं तो दोनों से इक्वल होता है, जब ज्यादा टैक्स होता है तो इन ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, तो फिर अपन यहाँ पे इंसर्ट टैब में पिक्चर्स ऑप्शंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको लेना बताया था, ये तो रहता है पिक्चर्स जो आप सिस्टम से लेते हैं, मतलब आपके सिस्टम में जो इमेज सेव होती है वो इंसर्ट करते हैं, तो आ गया था यहाँ से लेना। और अगर जैसे आपको पता नहीं है कि आपके सिस्टम में कहाँ पर है इमेज, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ऑप्शन दोनों में सेम रहेंगे, तो अपन अभी ऑफलाइन ही ले लेते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे आप सॉरी पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, जैसे आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, तो हमने यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देखेंगे वॉलपेपर वाला फोल्डर आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से जो भी इमेज लेनी है आप उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो देखिए आपके पास इमेज आ गई है, अब ये मूव नहीं हो रही है, तो मूव करने के लिए क्या करेंगे आप, ये आ रहा है लेआउट ऑप्शन, हाँ इस पे क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे मूव कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा करना है तो इन डॉट्स से कर सकते हैं। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आप जैसे अभी तक आप टेबल कर रहे थे, तो टेबल में आपके दो ऑप्शन आते थे, एक डिजाइन और एक फॉर्मेट टूल। अब आप पिक्चर का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर टूल्स में आपका फॉर्मेट ऑप्शन रहता है। अगर आप पिक्चर के बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे आप टेबल का यूज करते थे, जब आपको टेबल के ऑप्शन का यूज करना होता था तो आप टेबल पे क्लिक करते थे, और अगर आप उसके बाहर क्लिक करते थे तो आपको डिजाइन और फॉर्मेट के ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलते थे, नहीं मिलते थे। अपन इस पे क्लिक करेंगे, और एक बात याद रखना, ये डिजाइन टैब अलग है और टेबल का डिजाइन टूल अलग होता है। ठीक है, वो टेबल के फॉर्मेटिंग के लिए रहता है, ये डॉक्यूमेंट के लिए रहता है, अलग रहता है ये। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके, आप चाहे ऑनलाइन पिक्चर लें या फिर ऑफलाइन पिक्चर लें, दोनों में आपका फॉर्मेट के ऑप्शन सेम रहेंगे। ठीक है, अब आपका फर्स्ट ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, इस पिक्चर में जो भी बैकग्राउंड होगा ना वो रिमूव हो जाएगा आपका, तो अपन क्या करते हैं इस पर क्लिक करते हैं। देखिए जितना एरिया ये पिंक पिंक एरिया बता रहा है ना, ये रिमूव हो जाएगा इसमें, आप यहाँ से कीप चेंजेस पे क्लिक कर दें या फिर बाहर कहीं क्लिक कर दें, उस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। बट ये ऑप्शन इसमें सही से वर्क नहीं करता है, फोटोशॉप से होता है आपका रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, हम इसे वापस लाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑप्शन है रीसेट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ही वापस आ जाएगा। जैसे इस पिक्चर को हम हटाते हैं, दूसरी इमेज लेते हैं, उसमें आपको समझ आएगा कि सही से वर्क नहीं करता आपका। जैसे कि ये ले लेते हैं, अब अपन इसमें करते हैं, तो देखिए इसकी आईज भी जा रही है और थोड़ा उसका फेस भी जा रहा है, देखिए गई है उसकी, तो ये तो उसका बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, कंट्रोल जेड से भी आप वापस ला सकते हैं या फिर आप यहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग है, अब अपन इसको मूव करते हैं। तो फोटोशॉप से ज्यादा क्लियर तरीके से अपन यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज भी फोटोशॉप से ही होता है आपका, तो यहाँ से ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका करेक्शन, इसके ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ब्राइटनेस रहती है, हाँ आपको यहाँ से कितनी ब्राइटनेस वगैरह करनी हो आपके पिक्चर की, तो यहाँ से आप आपके पिक्चर में ले सकते हैं ब्राइटनेस, वहां पे बता भी रहा है कितना हो रहा है ये। ठीक है, इसके बाद रहता है नेक्स्ट कलर, आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको किस कलर में पिक्चर लेनी है, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में लेनी है तो इस टाइप से आ जाएगी आपकी, अपन इसे रिसेट करते हैं फिर करते हैं कलर। अब जैसे यहाँ पे नीचे और भी कलर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जिस भी टाइप के कलर में आप यहाँ पे पिक्चर लेना हो आप यहाँ से वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस टाइप में आपके यहाँ पे ये पिक्चर अप्लाई हो जाएगी।
नेक्स्ट ऑप्शन इसमें रहता है मोर वाला, तो यहाँ से आपको और भी अलग कलर्स मिलती हैं, जो भी कलर आपको लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें आ जाती है। अब अपन यहाँ पर रहता है नेक्स्ट आर्टिक इफेक्ट्स। आर्टिक इफेक्ट्स में क्या होगा, इस पिक्चर में आप इफेक्ट्स डालते हैं, आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी इफेक्ट्स डालना है, जैसे अपन ब्लर वगैरह कर देते हैं, धुंधली टाइप की कर देते हैं पिक्चर को, वो इफेक्ट्स देना होगा आपको। देखिए आ रही है, आप जिस भी इफेक्ट पे माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं वो इफेक्ट आपका इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से जिस भी टाइप में लेना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो इफेक्ट आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ये ऑप्शन जो है आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आता है कंपोज, ये साइज के लिए रहता है, और जब आप प्रिंट करते हैं उसके टाइम इसका साइज के लिए रहता है, जो अपन की फोटोशॉप से यूज करते हैं उसका, यहाँ से नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर मतलब इस पिक्चर को चेंज करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप चेंज पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप फर्स्ट ऑप्शन है ब्राउज। अब ब्राउज क्या होता है, अगर आप इस ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में जो ऑफलाइन इमेज रहती है वो आ जाएंगी, और अगर ऑफलाइन नहीं लेना तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं, आप इसे यहाँ पे आंसर कर, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपने जो इमेज ली है वो यहाँ पे सर्च कर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से जो भी इमेज लेना है आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे। जैसे ये इमेज लेनी, इसको सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद ये इंसर्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे आपकी इमेज इंसर्ट हो गई, जो डॉल इमेज थी उसी की जगह पर आ गई आपकी। तो ये होता है आपका चेंज पिक्चर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर का यूज कब होता है, जब अपन इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब आपने यहाँ से कलर दिया हो, मतलब इफेक्ट्स वगैरह दिया हो, तो आपको यहाँ पे रीसेट करने के लिए, मतलब वो फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए आप यहाँ से रीसेट ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्विक स्टाइल। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स दी गई हैं, आपको यहाँ से जिस भी स्टाइल में आपके पिक्चर को लेना है आप यहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप जिस पे भी माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे उस स्टाइल में आपकी पिक्चर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो भी स्टाइल रखनी है आप यहाँ से ले लेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहता है पिक्चर बॉर्डर। अभी आपकी जो बॉर्डर आ रही है वो ब्लैक में आ रही है पिक्चर की बॉर्डर, इसका कलर चेंज करना, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका पिक्चर बॉर्डर, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से जो भी बॉर्डर लेना हो जिस भी कलर में लेना हो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहता है मोर आउटलाइन कलर्स। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कलर मिलते हैं और कस्टम कलर मिलते हैं। आपको जो भी यहाँ से कलर में लेना है बॉर्डर, जिस भी कलर की लेना है, आप यहाँ से वो कलर सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो उस कलर की आपके पास बॉर्डर आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन आपका इसमें मिलता है आपको विड्थ। विड्थ मीन्स जो बॉर्डर ली है उसकी विड्थ कितनी मोटी लेनी है, कितनी पतली लेनी है, तो यहाँ से आप उसकी विड्थ कम ज्यादा रख सकते हैं जितनी भी आपको लेनी है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन रहता है विड्थ में आपका मोर लाइंस। इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से ये फिल आ रहा है, नो फिल नो करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए आउटलाइन देखने को नहीं मिल रही है, और अगर आप यहाँ पे सॉलिड लाइन करेंगे तो किसी एक कलर में आप यहाँ से पार्टिकुलर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका ग्रेडियंट लाइन। ग्रेडियंट लाइन मतलब तीन से ज्यादा भी ले सकते हैं, आपको जितने कलर्स लेने हैं। ठीक है, जैसे आपने होम टैब में किया था, पर जिसने होम टैब पढ़ा है वो तो बता ही नहीं पाए, जिसने नहीं किया वो बता दिया, अच्छी बात है। आप क्या करते थे, होम टैब में मल्टी कलर्स देते हैं टैब्स में, वही रहता है
ग्रेडियंट्स कलर क्या होते हैं, एक से ज्यादा कलर को लेके आप नया कलर बनाते हैं, मल्टी कलर्स जैसे। तो यहाँ पे ये स्टॉप्स आ रहे हैं आप।